एज अ बैंड सिक्स, ये कोर्स के बाद अप्लाई कर सकते हो. और बैंड सिक्स के बाद आपको जैसे बैंड सेवन बनना है और यू हैव गुड एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली 1.5 ईयर के बाद स्टेप थ्री के लिए आपको एडमिशन मिलती है, जो यूनिवर्सिटीज यूके में है. जैसे हमारे लंदन में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच है, तो हमको वहां पे एज अ स्पेशलिटी कोर्स स्टेप टू स्टेप थ्री में जो 6 मंथ का रहता है वो दिया जाता है. एज आप जब ये कोर्स करते हो तो आपको एक आप बहुत पैसा कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एज अ बैंक नर्सिस अगर आप बैंक करते हो एज आई. हेलो, हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, अगर आप आईसीयू के अंदर आते हैं, स्पेशली यूके के अंदर काम करते हैं एज रजिस्टर्ड नर्स, और आप स्पेशली आईसीयू के अंदर काम करते हैं, तो आपके लिए कोर्स है जो कि अगर आप वो कोर्स करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। आप बैंड सिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी, आपकी जो नॉलेज है वो भी एनहेंस होगी। और ये जो भी कोर्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वाली वीडियो के अंदर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको ये पता चलेगा कि आपको ये कोर्स कैसे करना है, कब आपको ये कोर्स मिलेगा, और बाकी जितने भी डिटेल्स है सारी की सारी इस वाली वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हेलो, हाँ जी, आज हमारे साथ प्रियंका है जो कि लंदन के अंदर एज रजिस्टर्ड नर्स काम करती है और वो आईसीयू डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है। जैसे कि अगर आपने मेरी लास्ट तो वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चल गया उस चीज के बारे में। बट आपको जो चीज नहीं पता है वो ये कि आईसीयू में रहने के बाद प्रियंका एक कोर्स कर रही है जो कि काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है, जो कि आपको बैंड सिक्स बनने में भी हेल्प करता है। तो उसी के बारे में इन डिटेल हम लोग बात करेंगे आज इस वाली वीडियो के अंदर। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाली है। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्रियंका? यस श्योर. सो नमस्ते सबको, मेरा नाम प्रियंका है और मैं लंदन में एज अ आईसीयू नर्स करके काम कर रही हूँ. मुझे यहाँ पे लगभग 2 साल हो गए आईसीयू में काम करते हुए. हाँ, अच्छा प्रियंका, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं वहां से? सो मैं एडल्ट क्रिटिकल केयर जो स्पेशलिस्ट आई स्पेशलिटी के लिए कोर्स रहता है वो कर रही हूँ. मेरा स्टेप 1 कोर्स हो गया है और मैं अभी मेरा स्टेप 2 स्टेप 3 कोर्स जो स्पेशलिटी कोर्स रहता है उसके लिए वेट कर रही हूँ. अच्छा, तो एक तरीके से बेनिफिट है काम करने का आईसीयू के अंदर, सही बात है कि नहीं, कि आपको एक कोर्स मिलता है करने के लिए। अच्छा, मेरे को अगर कोर्स कोर्स के बारे में बात करते हैं इन डिटेल, तो मुझे बताएंगे कितने साल का कोर्स होता है और कितने स्टेप में कोर्स होता है, हर स्टेप में क्या क्या चीजें होती हैं? एक क्रिटिकल केयर नेटवर्क ऑल ओवर यूके में है, जो ये कोर्सेस ऑल ओवर आईसीयू के न मतलब यूके में जितने भी आईसीयू है आईसीयू नर्सेस के लिए स्पेशली डिजाइन किया हुआ ये कोर्स है, जो हम बोल सकते हैं 4 स्टेप में डिवाइड किया है. सो फर्स्ट स्टेप 1 जिसमें इंट्रोडक्शन कोर्स रहता है, जैसे कि हम नर्सिंग में हर सिस्टम पढ़ते हैं, रिनल सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया. सो हर प्रकार के सिस्टम्स यहाँ पे स्टेप 1 में 1 ईयर के लिए होता है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि आपको हीमोडायलिसिस कैसे करना पेशेंट का, वेंटिलेटर्स कैसे चलाने हैं, इन्फ्यूजन सिरिंजेस कैसे, ये सब नॉलेज थेरोटिकल और आपको प्रैक्टिकल दोनों दोनों नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है. सो फायदा ऐसा है कि ये 1 ईयर का कोर्स है, आप इसमें 1 साल में अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं. वो होने के बाद आप स्टेप 2 स्टेप 3 के लिए, जैसे आप आपका ये एग्जाम पास करते हैं, स्टेप 2 स्टेप 3 के लिए आपको एडमिशन मिलती है, जो यूनिवर्सिटीज यूके में है, जैसे हमारे लंदन में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच है, तो हमको वहां पे एज अ स्पेशलिटी कोर्स स्टेप 2 स्टेप 3 में जो 6 मंथ का रहता है वो दिया जाता है. सो बेसिकली अगर आप स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3 करते हैं 1.5 ईयर टोटल, आप एज अ बैंड 6 ये कोर्स के बाद अप्लाई कर सकते हो. और बैंड 6 के बाद आपको जैसे बैंड 7 बनना है और यू हैव गुड एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली 1.5 ईयर के बाद और अच्छा बैंड 6 का एक्सपीरियंस होने के बाद आप अच्छे लीडर कैसे बनेंगे, सो उसके लिए एक लीडरशिप और मैनेजमेंट कोर्स रहता है जिसे हम स्टेप 4 बोलते हैं. सो इट इज डिवाइडेड इंटू 4 थिंग 4 स्टेप्स. अच्छा, तो जो आपका फर्स्ट स्टेप 1 जो कोर्स है वो आपको कौन प्रोवाइड करता है? सो हॉस्पिटल प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली. इट्स अ जो हर हर आईसीयू में बैंड 5 नर्स आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको ये 1 ईयर के लिए कोर्स दिया जाता है. सो जिसमें आपके क्लासेस लिए जाते हैं, आपके प्रैक्टिकल थ्योरी होती है, आपका असेसमेंट होता है, आपके कॉम्पिटेंसीज पे साइन मिलती है, जैसे कॉम्पिटेंसीज आप करके दिखा रहे हैं, आपके नॉलेज टेस्ट होता है कि आपने हम उन्होंने जो हमको पढ़ाया क्लासेस में क्या हमको वो पता है, क्या हम वो अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं कि नहीं. सो ये सारी चीजें 1 ईयर में होती है. तो आपको अच्छा नॉलेज आता है और बहुत मुझे लगता है बहुत अच्छा फायदा है करियर ग्रोथ के हिसाब से. और जो आपको स्टेप 2 और स्टेप 3 है वो कौन करवाता है फिर? सो स्टेप 2 स्टेप 3 यूनिवर्सिटी, जैसे हमारे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनिच यहाँ पे लंदन में है, तो हॉस्पिटल जो कोर्स का पैसा है वो प्रोवाइड करती है.
और वो ही ये कोर्स के लिए पैसे देते हैं। सो एज अ कैंडिडेट या फिर आपको एज अ स्टूडेंट करके वहां से कोचिंग लेना है, और यहाँ पे आप काम भी करते रहेंगे, साइड बाय साइड आपका स्पेशलिटी कोर्स भी हो जाएगा। अभी क्लासेस भी चलती रहती है और साथ में आपका काम भी चलता रहता है, तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाना, यूनिवर्सिटी की जो फीस है, ये सारी चीजें आपके हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड होती है। पर जी अगर कोई कोई नर्स है जो कि अपने साइड से ये कोर्स करना चाहती है तो दे हैव टू पे, राइट? सो दे हैव टू पे, बट द थिंग इज कि आपको जो कोर्स का फीस है ये अराउंड आई थिंक 3,000 पाउंड है फॉर 6 मंथ, स्टेप टू एंड स्टेप थ्री। सो आई डोंट थिंक अपन इतना पे कर पाएंगे एज ए इंडियन नर्स यहाँ पे जब हम काम करने आते हैं, तो वो थोड़ा महंगा जाएगा। तो आई वुड से कि हॉस्पिटल पैसा दे रही है तो वो अच्छा रहेगा। सही बात है। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि बेनिफिट्स की, अगर आपने सारे कोर्स कर लिए फिर जितना भी है चीजें, तो उसका बेनिफिट्स क्या क्या है उसके? दैट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बेनिफिट्स बहुत है। सबसे पहले तो आपका करियर एडवांसमेंट इसमें बढ़ जाता है, नॉलेज आपकी बढ़ती है। आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जब एज अ इंडिया में काम करती थी तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था वेंटिलेटर्स के बारे में, इतना डायलिसिस के बारे में नॉलेज नहीं था कि कैसे करते, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे नर्सेस करती है सारी बातें। तो बहुत अच्छा है, आपको नॉलेज मिलता है हर सिस्टम के बारे, ह्यूमन बॉडी के ऊपर आपको सब नॉलेज पता है, कौन से ड्रग्स देना है, कौन सा मेडिकेशन देना है। सो ये नॉलेज आपको यहाँ पे मिलता है। वेंटिलेटर्स कैसे हैंडल करना, कौन से मोड्स है, एबीजी एनालिसिस हम जब करते हैं तो बेसिकली मैं तो कभी हाथ नहीं लगाती थी इंडिया में। अगर पेशेंट का ईईजी एनालिसिस आया और मुझे कुछ सेटिंग्स करना है, सो यहाँ पे बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है आपको, आप हैंडल करते हैं खुद। दूसरी बात, आप यहाँ पे डायलिसिस कर सकते हो, मशीन्स पूरा सिखाया जाता है, पूरा नॉलेज आपका, अलग टाइप्स के सीरिंजेस, व्हाट डू वी कॉल, इन्फ्यूजन पम्प्स, इन्फ्यूजन सीरिंजेस, और बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे। दूसरी बात ऐसी कि एज आप जब ये कोर्स करते हो तो आपको एक आप बहुत पैसा कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एज अ बैंक नर्सिस, अगर आप बैंक करते हो एज आईसीयू नर्स, तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको एक्स्ट्रा रेट मिलता है। तो एज आप कहीं पे भी जाके अच्छे से बैंक में बैंक करके अच्छा कमा सकते हो, तो एक फायदा वो है। तीसरी बात ऐसी है कि आपका आपका नॉलेज तो बढ़ता ही है। तीसरी बात मैं ये बोलूंगी कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो जब आप अपने पेशेंट को केयर देते हो, क्योंकि यू हैव योर नॉलेज, यू हैव योर प्रैक्टिकल स्किल्स कि आप आपके पेशेंट को एक क्वालिटी केयर आप उनको दे सके, जो बेसिकली हमको भी प्रोटेक्ट करती है और पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करती है। सो इट्स वेरी सेफ प्रैक्टिस, यू आर कॉम्पिटेंट इनफ कि आप एकदम क्रिटिकल केयर पेशेंट को केयर दे रहे हो। सो वो बहुत बड़ी बात है। अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात की जाए, करियर अपॉर्चुनिटीज कि आप ये कोर्स होने के बाद आप बैंड 6 के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एज अ क्वालिटी नर्स करके अप्लाई कर सकते हो, आप एज अ मैनेजर की पोस्ट के लिए अदर वार्ड्स या जो स्पेशलिटी वार्ड्स है वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। उसके बाद अगर आप बैंड 7 के लिए अप्लाई करते हो तो आप ये स्टेप 4 का कोर्स कर सकते हो, जो आपको एज अ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटी लीडरशिप के लिए अच्छा रहता है। और एक ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, आपको बताऊंगा हमारे पीडीएंस रहते हैं, व्हाट डू वी कॉल, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स बोला जाता है, पीडीएंस। तो जैसे हमारे तरफ टीचर थे, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर्स इंडिया में, वैसे यहाँ पे पीडीएंस है जो हॉस्पिटल्स में ही काम करते हैं, तो वो पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो देखो काफी आपको सारे बेनिफिट हैं। नॉलेज है। हाँ, और अच्छा जॉब रहता है 9 to 5, या कुछ लोग तो बहुत फ्लेक्सिबल, मतलब मेरा पीडीएम तो बहुत फ्लेक्सिबल काम करता है, कभी भी आता है 7 बजे, कभी भी चला जाएगा अपना काम, घर से भी करता है। सो इजी जॉब, तो ऑप्शंस बहुत है। और बेसिकली अगर आईसीयू कोर है तो जो पे रेट है ना वो ज्यादा मिलता है देखो काफी जैसे। सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इसके अंदर, है ना, काफी सारी अच्छी चीजें भी हैं अगर आपने ये कोर्स कर लिया है तो। मेरे को फिर भी एक चीज यहाँ पे ये पूछनी है कि आपको हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट देता है आपका जो स्टेज वन है, स्टेज टू स्टेज थ्री आप यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करवाते होंगे कि आपको कहीं ना कहीं को ऐसा लगता होगा कि यहाँ हमें पैसा देना पड़ रहा है, तो क्या सीन है सो उसका? नाउ इफ यू आर डूइंग दिस स्टेप 2 एंड स्टेप 3 स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर कोर्स, आपको यहाँ पे जैसे मेरे हॉस्पिटल में 1 ईयर का बॉन्ड देना पड़ता है कि भाई हमने आपको सिखाया इतना स्पेशलिटी, इतना 1.5 साल से सिखा रहे हैं, एडमिशन करा के दिया, यू हैव टू बी विथ अस एटलीस्ट फॉर 1 ईयर।
तो 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है अपना। बट वो फायदा है कि आपका और नॉलेज बढ़ता है एज अ क्रिटिकल नर्स, आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके नॉलेज और आपके प्रैक्टिकल को, और अच्छी ग्रोथ है। लंदन में आप काम करते तो आपका और अच्छा ग्रोथ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। हाँ, आई वॉन्टेड टू एड वन मोर थिंग इन दिस, दैट कॉर्पोरेट सेक्टर्स रहते हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी बहुत अच्छे पोजिशन पे यहाँ पे काम कर सकते हो। जैसे फ्रेनेसिस, जो डायलिसिस मशीन्स हमको प्रोवाइड करते हैं, या सिरिंज पंप, बहुत सारे कंपनीज है जो ये बनाते हैं और हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करते हैं यूज करने के आप लिए, तो रिप्रेजेंटेटिव बन उनके सकते हैं के साथ उनके। भी आप काम कर सकते हो। हमारे यहाँ पे भी रैप्स आते हैं अलग अलग मशीन्स के, वो भी नर्सेज होते हैं, हाँ, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर भी। तो वो भी एक अच्छा है। एक मतलब आप एकदम डायलिसिस सेक्टर में भी घुस सकते हो, या फिर रेस्पिरेटरी में भी जा सकते हो, कार्डियोवैस्कुलर, मतलब वेर एवर देर आर लॉट्स, मतलब ये कोर्स करने के बाद बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं, तो चलिए, जिसमें बहुत भी अच्छा आपने ये इंटरेस्ट सारी है। चीजें बताई यहाँ पे प्रियंका, क्योंकि मैं मेनली लोगों को बताना चाहता था, जो भी लोग इंडिया से आ रहे हैं और स्पेशली जो आईसीयू के अंदर आ रहे हैं, तो वो ये कोर्सेज हैं जो भी कर सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें मिलती है, तो डेफिनेटली उनको करना भी चाहिए और अपग्रेड करना चाहिए अपने आप को, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए। अगर उनको ये अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो उनको अपॉर्चुनिटीज पकड़नी चाहिए अपने फ्यूचर जी ग्रोथ के लिए। सो थैंक यू सो मच हाँ, प्रियंका। अगर और कुछ ऐड करना चाहते हैं अपने साइड से आप? आई वुड सजेस्ट कि आपको अगर यहाँ पे थोड़ा वार्ड्स और अदर डिपार्टमेंट्स में, मतलब मैंने मैंने काम नहीं किया, बट अंकित मेरे हस्बैंड ने काम किया, सो ही यूज टू गेट सो फ्रस्ट्रेटेड कि इतना सारा काम, इतना ये है। बट आप अगर कुछ अपने लाइफ में सीखना चाहते हो, आप इंडिया से इतना मतलब इतनी तैयारी करके आ रहे हो, अगर आप फ्रेशर भी है तो आपका नॉलेज फ्रेश रहता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप आईसीयू में भी अप्लाई करो, थिएटर्स में अप्लाई करो, जहाँ पे आपको ये स्पेशलिटी कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, और आप एक परफेक्ट नर्स करके आप यहाँ पे काम कर सकते हो, सो क्वालिटी केयर देने के लिए। सो सी सी ओ आई भी वुड आप लोग कर सजेस्ट। सकते हो क्योंकि सी सी ओ के अंदर, जैसे मैं सी सी ओ में काम कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ पे भी कोर्सेज हैं, अक्यूट कोरोनरी केयर का जो कोर्स है वो आप कर हाँ सकते हो। चाहे हो तो आप यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, चाहो चाहे तो आप हॉस्पिटल से कर सकते हो, आपको बेंच से बनने में बिल्कुल आपकी हेल्प करता है। हाँ तो अगर मैं ये कहता हूँ कि जो भी लोग आ रहे हैं तो स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में आने की कोशिश करो आप लोग, तो आपके लिए शायद लॉन्ग रन के लिए बेनिफिशियल होगा ये सारी चीजें। और किसी को ऐसे करना है कि मुझे कुछ साल नर्सिंग करनी है उसके बाद कुछ और करना है, तो फिर आप कहीं पे भी आ सकते हो, ऐसा कुछ भी इश्यू हाँ नहीं है। कुछ साल काम करो, अच्छा नॉलेज ले लो, और फिर ऐसे पीडीएन जॉब या क्वालिटी डाटा नर्स करके ज्वाइन कर लो, तो अच्छा रहता है। मतलब काफी यू हैव सारी चीजें। नॉलेज एंड आप मैनेजमेंट में भी अच्छा जाके काम कर सकते तो थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर ऑल दिस नॉलेज, और शायद इन लोगों ने एंजॉय भी किया होगा इस वीडियो को, जितनी पब्लिक हमें देख रही है। सो थैंक यू सो मच प्रियंका वंस अगेन। थैंक हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो यू मच सो फॉर मच भाई, टेक केयर इनवाइटिंग। प्रियंका। थैंक यू।